क्योंकि भगवान शिव आते हैं तो तीन मूर्तियों के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ब्रह्मा की मूर्ति उसके द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, विष्णु की मूर्ति उसके द्वारा प्रैक्टिकल कर्म सिखाते हैं और शंकर की मूर्ति उसके द्वारा ज्ञान का तांडव नृत्य करते हैं। कैसा नृत्य? तांडव, ताड, ताड माने पिटाई। किसकी पिटाई? ब्रह्मा के द्वारा जितना मीठा ज्ञान सुनाया जाता है। ब्रह्मा वही आत्मा है जो सतयुग के आदि में हे कृष्ण नारायण वासुदेव जिसको कहा जाता है, इसलिए कृष्ण के हाथ में मुख मुरली दी जाती है मीठी तान सुनाने की यादगार, और राम को बाण दिए जाते हैं, या शंकर के मंदिर में नगाड़ा दिया जाता है जैसे बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज होती हो, या डमरू दिया जाता है गड़गड़ाहट की आवाज वाला कर्कश आवाज, मुरली की तरह मीठी आवाज नहीं। किनके लिए है? तो वो एक ही वाणी, कोई को मीठी लगती है और कोई को गड़गड़ाहट की आवाज लगती है, कड़ुई लगती है, नगाड़े की तीखी आवाज लगती है। तीखी आवाज उनको लगती है जिन्हों के जन्म जन्मांतर के खराब कर्म हुए हैं, और यहाँ ब्राह्मण बनने के बाद भी उन्होंने ईश्वरीय ज्ञान को महत्व नहीं दिया। ज्ञान कुछ और कहता है, वो कर्म कुछ और उल्टे करते हैं। ज्ञान कुछ और बोलता है, वो वाचा भी उल्टी बोलते हैं। तो ऐसी आत्माएं जो भगवान बाप की वाणी को पूरा ग्रहण नहीं कर पाती, उनको भगवान की वाणी कर्कश लगती है। जैसे दुनिया में भी होता है, एक ही आदमी एक को बहुत अच्छा लगता है और वही एक आदमी दूसरे को बहुत खराब लगता है, यहां भी ऐसे ही। वो भगवान का पार्ट, कोई को तो एकदम काला भूत दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है? कालों का काल, महाकाल दिखाई पड़ता है, एकदम काला। और कोई आत्मा ऐसी होती है जिनको बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है, बहुत अच्छा मालूम पड़ता है। दोनों को आंखें एक जैसी हैं देखने की, एक उसको काले के रूप में देखता है और दूसरा उसको गोरे के रूप में देखता है। तो भगवान का नाम पड़ गया है श्याम सुंदर। क्या? एक ही व्यक्तित्व पार्ट बजाने वाला, पार्ट सबकी नजर में है कि वो एक ही पार्ट है। वो पार्ट एक ग्रुप को लगता है कि बहुत खराब पार्ट बज रहा है और दूसरे ग्रुप को लगता है कि ये बहुत अच्छा पार्ट बज रहा है, ऐसा अंतर हो जाता है। इसलिए उस पार्टधारी का नाम भक्ति मार्ग में रख दिया है श्याम सुंदर। इतना श्याम ते श्याम माने काले ते काला, भयंकर पार्टधारी, दूसरे धर्म का कोई धर्म पिता नहीं हो सकता। दूसरे धर्म वाले पिता न ज्यादा अच्छा पार्ट बजाते हैं और न ज्यादा बुरा पार्ट बजाते हैं, न ज्यादा काले बनते हैं और न ज्यादा गोरे बनते हैं। ये देवी देवता सनातन धर्म का जो धर्म पिता है वो अति का काला है और अति का गोरा है। एक ही टाइम पर कुछ आत्माओं को गोरा दिखाई पड़ता है और कुछ आत्माओं को काला दिखाई पड़ता है। किस बात में ये अंतर पैदा हो जाता है? आसुरी आत्माओं को काला क्यों दिखाई पड़ता है?
और देवात्माओं को अच्छे से अच्छा सुंदर कृष्ण क्यों दिखाई पड़ता है? एक ही साथ है, एक ही व्यक्तित्व के ऊपर दो नाम क्यों रख दिए गए, श्याम सुंदर? जैसा जैसा चश्मा वैसा वैसा दिखाई देता है। 63 जन्मों में जिसने जिसने जैसे जैसे कर्म किए, अच्छे कर्म करने वालों को भगवान का रूप अच्छा दिखाई देता है, और जिन्होंने 63 जन्म बुरे से बुरे कर्म किए हैं उनको बुरा दिखाई देता है। तो ये अंतर पड़ जाता है भगवान के पार्ट का। पार्ट ऐसा है जिसके लिए बोला है कि तुम बच्चे भी शंकर के पार्ट को समझ नहीं सकते। वंडरफुल पार्ट है। क्यों वंडरफुल है? हैं? क्योंकि वो सारी सृष्टि का बाप है। सारी सृष्टि में देवताएं भी हैं, अच्छे से अच्छे पार्टधारी, और राक्षस भी है, बुरे से बुरे पार्टधारी। 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि है। 700 करोड़ मनुष्य सृष्टि में अच्छे से अच्छे भी हैं और बुरे से बुरे भी हैं। हर धर्म में अच्छे से अच्छे हैं और बुरे से बुरे हैं। जो भी दुनिया के धर्म है और धर्म पिताएं हैं, उनमें अच्छे से अच्छे धर्म पिताएं और धर्म भी हैं, और बुरे से बुरे धर्म पिताएं और वो धर्म भी हैं। तो परमात्मा बाप उन सभी धर्मों में से श्रेष्ठ आत्माओं को चुनता है, और चुनकर के ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बनाता है। दुनिया के हर धर्म के बीज चुनकर के इकट्ठे होते हैं माउंट आबू में, और वहां से ब्राह्मणों की सृष्टि की शुरुआत होती है। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं कि ब्राह्मणों की 9 कुरियां होती हैं। 9 ऋषि थे जिन 9 ऋषियों से 9 गोत्र शुरू हुए। ये कोई 9 गोत्रधारी अलग से नहीं है। आज की दुनिया में फैले हुए जो खास खास धर्म है उन्हीं की यादगार। देवता धर्म के 2 रूप थे, सूर्यवंश और चंद्रवंश, जो बाद में हिंदू कहे गए, और जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले, जैसे कोई इस्लाम धर्म में चले गए, कोई भारतवासी बौद्धी धर्म में चले गए, कोई भारतवासी क्रिश्चियन धर्म में चले गए, तो जो दूसरे दूसरे धर्मों का जाकर के फाउंडेशन लगाते हैं और भारतवासियों को धोखा दे जाते हैं, उन आत्माओं में भी कोई न कोई बहुत श्रेष्ठ है। ऐसे नहीं कि सब एक जैसे होते हैं। कारण या कारण है कुसंग में आकर के खराब हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को बाप कलेक्ट करता है, माउंट आबू में जाकर के वो ब्राह्मण बनते हैं। उनमें से जो सूर्यवंशी है वो ज्ञान सूरी की औलाद इसके कंट्रोल में रहेंगे। जो दूसरे धर्म के बीज होंगे या दूसरे धर्म की जो जड़ें होंगी, फाउंडेशन होंगे, उनके कंट्रोल में रह सकेंगे? सूर्यवंशी जो होंगे वो कभी किसी के कंट्रोल में नहीं रह सकते। इसलिए वो यज्ञ के आदि में ही छोड़ करके चले जाते। जिसके लिए वाणी में बोला हुआ है कि राम फेल हो गया यज्ञ के आदि में ही, तो भगवान बाप ने उनको बाण दे दिए, जाओ ले जाओ ये धनुष और जाओ ले जाओ ये बाण। ये धनुष बाण की कमाई करके तुम अपनी कमाई करो। तो वो आत्माएं ज्ञान के बाण ले लेती हैं भगवान से, और पुरुषार्थ करने के लिए ऐसा शरीर मिलता है उनको अगले जन्म में,
कि कोई भी स्थिति परिस्थिति में वो अपने शरीर से अच्छा पुरुषार्थ करने के लिए निमित्त बन जाती है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वो मुकाबला करती, क्योंकि उनमें पिछले 63 जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं विधर्मियों से टकराने के। जैसे शिवाजी हुए, शिवाजी की सेना हुई, महाराणा प्रताप हुए, महाराणा प्रताप की सेना हुई, लक्ष्मीबाई हुई, लक्ष्मीबाई की सेना हुई, वो सारा का सारा ग्रुप सूर्यवंशियों का ग्रुप। पृथ्वीराज चौहान हुआ, बहुत है। ज्ञान ज्ञान के लिए थोड़े उदाहरण देना काफी है। 84 जन्म है तो 84 जन्म लेने वाले हैं ना, उनमें से 21 जन्म निकाल दो, बाकी कितने बचे? जो 63 जन्म बचे, उन 63 जन्म में वो हीरो पार्टधारी है। तो हीरो के रूप में जो पार्ट बजाने वाली आत्माएं होंगी वो तो बहुत पावरफुल होनी चाहिए। हीरो कैसा पार्ट बजाता है ड्रामा में? हीरो जब पार्ट बजाता है तो हीरो के पार्ट को देख करके सबको खुशी होती है ना, या दुख होता है? जो विलियन होता है उसका पार्ट देख करके दुख होता है, और जो हीरो होता है उसके पार्ट को देख करके सब खुश होते हैं। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हैं परमात्मा बाप के जो बच्चे बनते हैं, उनको कहा जाता है रुद्रमाला, रुद्राक्ष की माला।